दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ। कल से लॉकडाउन का थर्ड पार्ट जो है वो शुरू होने वाला है, और इसमें जो नए डायरेक्शंस आए हैं उसके बारे में आपसे, जो कॉमन सभी के लिए है, जो सामान्य सावधानियां हैं, इसमें जो नई बात आई है कि 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति और कोई भी रोग वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे आवश्यकताओं एवं स्वास्थ्य आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त घर पर ही रहेंगे। तो ये 65 साल के अधिक के जो भी व्यक्ति हैं, रोगी व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे घर पर रहने के लिए उनको निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ साथ मास्क पहन के ही बाहर निकलना आवश्यक होगा, और कोई व्यक्ति और दुकानदार के पास अगर आता है बिना मास्क पहने तो उसको सामान नहीं दिया जाए, ऐसा डायरेक्शन दुकानदार के लिए है। सार्वजनिक स्थान, कार्यस्थलों व परिवहन के प्रभारी सभी व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग जो है 6 फीट, अब इसका जो है वो घोषित कर दिया गया, तो 6 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग करनी आवश्यक है। और जो पहले 144 में डायरेक्शंस थे, सेक्शन 144 में 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों को कहीं पे भी हम एकत्रित नहीं होने देंगे। इसके साथ साथ शादी समारोह के लिए सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करते हुए 50 व्यक्ति से कम अगर हैं तो उनको अनुमति दी जाएगी। अंतिम संस्कार के लिए 20 व्यक्ति से कम। और जो दूसरी बात है कि पान, गुटखा, तंबाकू आदि के विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। तो ये कहीं पे भी पान, गुटखा, तंबाकू की दुकान जो है वो नहीं खुलेंगी। शराब विक्रय करने के लिए जो है आदेश आए हुए हैं, दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जाएगी तथा एक समय पर एक दुकान में 5 से अधिक व्यक्ति जो हैं वो नहीं रहेंगे किसी भी शराब की दुकान पे, और सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन पूर्णतः वर्जित रहेगा। कार्यस्थल पर भी जो है वो मास्क पहन करके जाना और पर्याप्त मात्रा में फेस कवर करके जाएं, ये डायरेक्शंस इसमें आए हुए हैं। और इसके अलावा जो अनुमत गतिविधियां थी, जो 15 अप्रैल 2020 के जो डायरेक्शंस थे उसके अंतर्गत औद्योगिक गतिविधियां और ग्रामीण क्षेत्र में जो परमिशन मिले हुए थे निर्माण की गतिविधियां, ये सभी 15 अप्रैल 2020 के जो ऑर्डर्स थे, शॉप्स ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में जो डायरेक्शंस थे वो यथावत लागू रहेंगे। और सरकारी कार्यालय इत्यादि भी जो 15 अप्रैल 2020 का डायरेक्शन था उसके अनुसार ही संचालित होंगे। सर, रेड जोन जो है पूरा जिला है, तो जिले में अलग-अलग जिलाएं अलग-अलग, यहां पे पूरा डिस्ट्रिक्ट ही रेड जोन में है। ये डायरेक्शन जो 15 अप्रैल 2020 का है, उसके बाद जो 19 अप्रैल 2020 के जो 8 साल से अधिक वर्ष के व्यक्ति और रोगी व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं, ये बाहर नहीं निकलेंगे। इसके साथ साथ दुकानदार अगर कोई व्यक्ति सामान लेने आता है मास्क नहीं पहना हो तो उसको सामान नहीं दिया जाएगा। शराब की दुकानें खुल जाएंगी, ये नए डायरेक्शन है। ये बिल्कुल, ये कॉमन डायरेक्शंस है, या रेड हो या ऑरेंज हो या ग्रीन हो, ये सभी के लिए है। बाकी जो 15 अप्रैल और 2020 और उसके बाद जो रिलैक्सेशन आए थे 19 अप्रैल तक के लिए, उसके अनुसार ही अपने डिस्ट्रिक्ट में होगा। इसमें नयापन है, हम जानना ये चाह रहे थे कि जो लॉकडाउन 3.0 में जो नए डायरेक्शंस आए हैं वो खाली, क्योंकि रेड जोन अजमेर यूनिट है, पूरा डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन क्या म्युनिसिपल एरिया में भी इसकी रिस्ट्रिक्शंस हैं, या जो उपखंड हैं अजमेर जिले के वहां पर भी ये प्रभावी रहेगा? देखिए, कर्फ्यू एरिया जहाँ भी है वहाँ पे शॉप्स तो नहीं खुलेंगे, कंटेनमेंट जोन में नहीं खुलेंगे। इसके अलावा जो शॉप्स के लिए गाइडलाइंस आए थे शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के लिए, वो तो यथावत जो 15 अप्रैल और 19 अप्रैल वाले जो डायरेक्शंस हैं वो ऑलरेडी ऐसे ही चलेंगे। जो रिलैक्सेशंस हैं वो जो दूसरे डायरेक्शंस अनुमत हैं वो ऑरेंज और ग्रीन जोन के लिए हैं, हमारे लिए तो बस जो 15 अप्रैल और 19 अप्रैल के जो डायरेक्शंस हैं वही लागू होंगे।
दुकानों के बारे में 15 अप्रैल के डायरेक्शंस में ही आपको बता दिया गया था, जो शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र में नुक्कड़ की दुकानें जो हैं, आइसोलेटेड शॉप्स कहीं पे है एकांत में, और यार किसी रेजिडेंशियल एरिया में है तो वो शहरी क्षेत्र में खुल सकती है। ग्रामीण क्षेत्र में सभी शॉप्स भी खुलेंगे, बाज़ार नहीं खुलेंगे शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में बाज़ार भी खुल सकते हैं। ये डायरेक्शंस पहले के जो हैं वो यथावत चलेंगे। इसके अलावा नाई की दुकान और ये सब पे रोक लगा हुआ है। सर, कर्फ्यू जो इलाके हैं उनको लेके कोई नई गाइडलाइन आज जारी कर रहे हैं आपके वहाँ पर, कोई रिलैक्सेशन रहेगा या क्या स्थिति रहेगी? कर्फ्यू अभी जहाँ पे भी लगा हुआ है वो 28 दिन के बाद ही हम विचार करेंगे वहाँ पे लिफ्ट करना है या नहीं करना है। अगर कोई नया केस 28 दिन तक लगातार नहीं आता है उसके बाद। इसमें वाहनों के आवागमन के लिए पास की आवश्यकता नहीं होगी, ये बात बताई हुई है। ठीक है, तो पास मतलब जो व्यक्ति पैदल आना जाता है वो पैदल आ करके अपना काम कर सकता है। कई लोग ऐसे हैं जिनकी दुकानें कर्फ्यू क्षेत्र से बाहर हैं और वो रहते कर्फ्यू क्षेत्र में, कई लोग ऐसे हैं जिनकी दुकानें कर्फ्यू क्षेत्र में, लेकिन कर्फ्यू क्षेत्र से तो कोई बाहर जा ही नहीं सकता ना कर्फ्यू क्षेत्र में। दुकानें भी नहीं खोल सकता वो, हाँ उनको पास दे देंगे अगर उनकी दुकान बाहर है। देखिए, कर्फ्यू क्षेत्र के लिए थोड़ा भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। कलेक्टर साहब ने जैसा बड़ा स्पष्ट किया, कर्फ्यू क्षेत्र जो है वो हमारा कंटेनमेंट जोन है। कंटेनमेंट जोन में कोई भी बिना पास के ना अंदर आ सकता है ना ही बाहर जा सकता है। एग्जेम्पशन के रूप में केवल मीडिया है, पुलिस कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी है जो बिना पास के अंदर जा सकते हैं। बाकी जो भी सप्लाई है वो गवर्नमेंट सप्लाई है, पास के माध्यम से लोग अंदर जा रहे हैं। किसी भी व्यक्ति का आवागमन बिना पास के कर्फ्यू क्षेत्र के अंदर और बाहर दोनों ही नहीं हो सकता है। भले ही उसकी शॉप बाहर हो, भले ही उसका सरकारी ऑफिस बाहर हो, यदि वो अपने कर्फ्यू क्षेत्र से निकलना चाहता है उसके पास पास होना ही चाहिए। सर, एक दो तीन दिन से कंफ्यूजन चल रहा है, जो डायरेक्ट फंसे हुए हैं दरगाह एरिया में, कहा जा रहा है कि उनके लिए कोई स्पेशल ट्रेन चलेगी। देखिए, ऐसी कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, बहुत ही मैं कहूँगा कि खेद का विषय है कि मीडिया ने बिना बात को स्पष्ट किए कुछ न्यूज़ लगाई, कुछ बातों को चलाया। बहुत ही स्पष्ट था कल ही कि प्रशासन के स्तर पर, सरकार के स्तर पर ट्रेन चलाए जाने को लेकर प्रयास चल रहे हैं। जैसा कि आपके जानकारी में है कि ट्रेन पहले से कोई निर्धारित नहीं है, दोनों स्टेट मिल करके जहां से ओरिजिन है, जहां से लोग चलेंगे और जहां पहुंचेंगे, दोनों स्टेट को मिल करके चीज़ें तय करके ट्रेन को फाइनल करना है। जब तक सामने वाला स्टेट जहाँ पर कि लोगों को पहुँचना है उनकी तरफ से हाँ नहीं होती है, तब तक केवल एक स्टेट, मान लीजिए राजस्थान को बंगाल के लिए ट्रेन ले जानी है, बंगाल की सहमति भी उतनी आवश्यक है तभी ट्रेन चलाई जा सकती है। दोनों स्टेट बात कर रहे थे लगातार और ये था कि ट्रेन चलाई जानी है, उसके लिए हमने जो ग्राउंड में वर्क होना था वो वर्क किया जा रहा था। उसमें कुछ लोगों ने अंदाजे लगा करके कि साहब ट्रेन शाम को चलने वाली है या फिर अभी चलने वाली है, और उसके बेसिस पर कुछ चीज़ों को चलाया। कुछ लोगों ने गलतफहमी पैदा की जिससे कि लोग निकल करके बाहर आ गए, जिन्हें वापस घरों में भेज दिया गया, क्योंकि ट्रेन डिसाइड होने के बाद में हम खुद उन लोगों को लेकर आएंगे। उनका सर्वे किया गया है, उन्हें मैसेज किया गया है कि आपको ट्रेन के माध्यम से ले जाया जाएगा, पर ट्रेन जब फाइनल होगी तभी उन्हें हम निकाल करके ले जाएंगे। फाइनल हुआ सर? हाँ बिल्कुल, ट्रेन फाइनल हो रही है, जैसे ही उनके टाइम्स वगैरह क्लियर हो जाएंगे तो उसका टाइम बता दीजिए। सर, सोशल मीडिया पर एक जो ऐड मैंने आपको भेजा था ये वायरल हो रहा है, तो इसमें तो बताया जा रहा है वो तमाम चीज़ें खुल रही हैं? नहीं नहीं, ये PRO से मैंने वेरीफाई किया है, ये DIPR के द्वारा नहीं जारी किया गया है, ये फेक है, अधिकृत नहीं है DIPR। ये किसी ने ये किसी ने चीज़ों को सरल करने के नाम पर बनाया है, पर उसमें बहुत सारी गलतियां हैं, उसे आप ग्राउंड नहीं माने, वो समझने के लिए बनाया है किसी ने पर वो सही नहीं। जैसे इसमें गुटखा तंबाकू को भी उसने अनुमत कर दिया, पर गुटखा तंबाकू अनुमत नहीं है, पान गुटखा तंबाकू को प्रतिबंध रहेगा, केवल शराब के विक्रय पर अनुमति। वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है, इसे समझ लीजिए, कलेक्टर साहब ने जो आपको बताया वो ऑफिशियल बात है। प्राइवेट दफ्तर जो है वो इस दौरान खुल सकेंगे या? प्राइवेट दफ्तर के लिए है एक तिहाई अपने क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। सर,
सर बैंक्स को लेके भी कंफ्यूजन है, कई जगह ऐसी स्थितियां हैं कि जो प्रधानमंत्री के द्वारा जो पैसा दिया जा रहा है बैंक में लोग लेने पहुंच रहे हैं लेकिन उनको रोका जा रहा है, तो कहीं देखिए ऐसी कोई कंफ्यूजन नहीं है। सवाल पूछा है, कल एसपी साहब भी गए थे कर्फ्यू एरिया में और हम लोग भी ये अपील कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। आप बिल्कुल अपने आप को आइसोलेट करें, फैमिली को आइसोलेट करें, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, लॉकडाउन की पालना करें, आपस में बिल्कुल नहीं मिले जुले, तभी ये कंट्रोल हो सकता है। खास करके कंटेनमेंट एरिया जो है हमारा कर्फ्यू क्षेत्र में जो हमने आइडेंटिफाई किया है, ये सोशल डिस्टेंसिंग रखना ही पड़ेगा। जो भी भीड़ भाड़ के इलाके हैं, मैं अभी अपील भी करना चाहता हूं आपसे कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। जब ये आप 28 दिन तक अगर अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे, किसी तरह के सिम्टम्स नहीं आती है, तो अपने आप ये वायरस जो है ये अपने आप चला जाएगा। और अगर मिलते जुलते नहीं, सब दूसरी सबसे जो बड़ी चुनौती है वो एसिम्टोमेटिक केसेस हैं। लोगों को लग रहा है कि हमारे ऊपर तो कोई सिम्टम नहीं आ रहा है। दरगाह क्षेत्र में जो हमें मिले हैं लोग, आसपास के जितने भी मिले हैं, वो सब एसिम्टोमेटिक हैं। तो एसिम्टोमेटिक व्यक्ति तो ये सोच रहा है कि मेरे कोई सिम्टम नहीं है तो मैं क्यों सोशल डिस्टेंसिंग पर, ये गलत बात है। सोशल डिस्टेंसिंग सभी को रखनी पड़ेगी। आप मेल जोल बंद करें कुछ दिनों के लिए, 28 दिन का, जैसे ही अगर किसी भी क्षेत्र में 28 दिन तक अगर कोई केस नहीं आता है तो वो क्षेत्र अपने आप कर्फ्यू से, कंटेनमेंट से मुक्त हो जाएगा। सर ये चिन्हित आप कर सकेंगे कौन सी दुकानें खुलेगी और कौन सी नहीं, एक बार आप अगर बता देंगे तो लोगों तक पहुँचेगी कि क्या नहीं खोलना है, क्या खोलना है। और ये 15-4 और 19-4 की जो जो डायरेक्शंस हैं उसमें बिल्कुल क्लियर है। जो आइसोलेटेड शॉप्स हैं, एसेंशियल कॉमोडिटीज़ के, बुक्स के भी उन्होंने कहा है, पर वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वहाँ पे रहना है। और ग्रामीण क्षेत्र में बाज़ार भी खुल सकती है, शहरी क्षेत्र में बाज़ार नहीं खुलेंगे।